तो अभी हम ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं, गलजा होम सांगड़ से है। सांगड़ से होगा तीन तीन किलोमीटर तीन हाँ किलोमीटर या वो भी हो सकता है। हाँ जी और आपको दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छी जगह है। तो एक तो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं ट्रैकिंग की, और सांगड़ अलग वीडियो में कवर करूँगा। ये देखिए सामने बर्फ़ पड़ी हुई है, और ये भी, ये देखिए ये बर्फ़, ये तो पिघल चुकी है, बर्फ़ कम पड़ी है इस बार। और सामने पूरा तो काफ़ी अच्छा व्यू है, और नेचर भी, और बहुत मतलब सुख शांति है यहाँ। तो मनाली तो मैं तो कहता हूँ जाऊँ मत ना, मनाली से अच्छा यहाँ आओ। और हमारा जो राजू ट्रैक स्टार्ट हो रहा है वो हाँ कहाँ जी से होएगा? वो यहाँ से होगा ही, अच्छा, ये ये यहाँ चालू से हो रहा है। होएगा। हाँ जी और तीन राजू किलोमीटर हाँ फिर आगे भी कुछ और बताएगा, काफ़ी चीज़ें बता रहा था वो, जी हाँ जी कौन से पेड़ पाड़ थे वे भी फिर सांगड़ की वीडियो में बताइए, हाँ जी है हाँ ना। जी तो चले करें स्टार्ट, हाँ जी तो चलो चलो करते राजू। स्टार्ट। तो अब राजू और मैं जा रहे हैं, स्टार्ट कर दिया ट्रैक। तो राजू कह रहा है वैसे तो हम 1 घंटे में आप लोग आ जाओ या 2 घंटे में 2 घंटे में वापिस आते हम वापिस जैसे। आ हाँ जाते हैं। अब जी हाँ मैं जी देखता हूँ मैं कितने घंटे में आऊँ। हाँ जी एक अब बार यहाँ तो से देख सकते हो व्यू किस तरह का है, और व्यू दिखाओ। हाँ, चारों तरफ बड़े और बड़े वो देवदार बर्फ के पड़ी वृक्ष। हुई है पेड़ पे, वो सामने और ये सामने। कौन से पेड़ है ये? देवदार है ना, देवदार के हाँ चारों जी तरफ देवदार। चारों नहीं, तरफ व्यू तो देवदार, बहुत अच्छा है ये। ये देख सकते हो किस तरह का व्यू है। हाँ, बहुत अच्छा है। तो ये भी हम दोनों तरफ देवदार के पेड़ है, जंगल के बीच में से जा रहे हैं। तो देवदार के वृक्ष देख सांस तो सकते अभी हैं। चढ़ चुके हैं। और ये देखिए सामने, वहाँ भी बर्फ़ पड़ी हुई है, और देखो पेड़ों के ऊपर वो सामने। यार कितना अच्छा लग रहा है ना वहाँ, वो देखो सामने, और ये सामने, ये देखिए सामने पक्षी है। कौन से पक्षी है? चील और गिद्ध के बच्चे। हाँ चील और गिद्ध के बच्चे। जी वो सामने वो चल रहा, अगर आप लोगों को जूम दिखाई नहीं करो। दे रहा तो जूम करके दिखाऊं, वो रहा। ये उड़ेगा तभी दिखे। ये देखिए, ये है चील और गिद्ध के हैं बच्चे हाँ बच्चे, और ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में आता है। जी बिल्कुल। अच्छा, चलो अच्छी बात है राजू, अच्छी जानकारी दी। और यहाँ किस किस तरह के पक्षी होते हैं राजू? पक्षी तो यहाँ पे हर प्रकार और किस तरह के पक्षी? पक्षी, तरह तरह के पक्षी मिलते हैं, चील गिद्ध हो गया, कौआ हो गया, मैना हो गया, तरह तरह के। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में भी जुजू राणा जानते अच्छा होंगे अच्छा आप। हाँ नहीं जुजू राणा भाई मुझे कोई नॉलेज नहीं है, जी मैं राजू बोलूँ तुझे कि हाँ भाई मुझे नॉलेज है। और राजू जुजू यहाँ का राणा गाइड है, काफ़ी अच्छा मतलब जानकारी है। और कितने साल से राजू काम कर रहे हो आप ये? अभी तो मेरे को 4-5 साल हो गए जो इस ट्रैक पे गया हूँ मैं। हाँ उस टाइम 9 साल का था मैं। अच्छा, 9 साल का था जो हाँ ये जी हम गलजोआ ट्रैक गलजा है, हूँ। हाँ जी गलजोआ हम ट्रैक जा रहे हैं। राजू 9 साल का नौ था जब साल होके से आया है, वहाँ गया हूँ। तो 9 साल पहले जब 9 साल के थे जब गए थे, और अब गए हो तो काफ़ी चेंज हो गया होगा। हाँ जी हाँ जी बहुत चेंज हो गया। जब यहाँ से देखिए ये बर्फ। देख, ये यार, या हाँ, ये है, वाह सॉलिड, अच्छा काफ़ी अच्छा हुआ है। गाड़ी का बना तो रही है ना ट्रैक? ये देखिए पेड़ों में बर्फ, वाह, ओहो, ये लो भाई राजू, अच्छी जगह ले आया, बहुत अच्छी जगह भाई। ये होम स्टे भी बना रहा कोई जंगल में, ये जब चालू हो जाएगा तो बहुत मजा आएगा यहाँ रहने में, एकांत में, और कुछ नहीं है चारों तरफ, कोई चहल पहल नहीं, कोई कुछ नहीं। ये देखिए होम स्टे का रास्ता ये है, और ये होम स्टे दोबारा दिखा रहा हूँ, तैयार नहीं हुआ अभी। तैयार नहीं हुआ, जब तैयार हो जाएगा तो इसकी तो राजू अलग ही बात रहेगी, हाँ जी इसकी तो अलग बहुत ट्रैक भी यहाँ से नजदीक रहेगा, ट्रैक भी नजदीक रहेगा, और प्लस ये कि चहल पहल से दूर हो आप बहुत दूर, पूरी सहेंज वैली में। ऐसा नहीं पूरे। कि यहाँ जो भी सहेंज वैली है भीड़ बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल हाँ शांति। तो वही बात है, जैसे राजू को मैं ये कह रहा हूँ, देखो मुझे तो सुकून चाहिए, तो मुझे तो मनाली अच्छा नहीं है, मैं तो यहीं आके खुश हूँ, एक बार क्या 10 बार यहाँ पे आऊँगा। राजू कह रहा मुझे कि भाई आराम से चलो, कोई जल्दबाजी ना है, पहुंच जाएंगे हम, टाइमली पहुंच जाएंगे। और अभी आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये अखड़ी चढ़ाई है, ये सांस फूल के। चलो राजू करते हैं स्टार्ट, हाँ जी ये रास्ता भाई हमारा।
ये बर्फ के बीच में से। और राजू क्या बोल रहा है, मुझे कैसे चलना है? बिल्कुल आराम से, आराम से चलो, जहाँ भी जाना चाहते हैं आप सब हो जाएगा, पर आराम से चलो, आराम से। हाँ जी, तो ये भाई ट्रैक है, करना तो जरूरी है। करते हैं। तो राजू बर्फ के अंदर से चल रहे हैं तो, ये लो मस्ती मस्ती भाई मस्ती, राजू मजा आ गया भाई। ये देखिए व्यू, इस समय हम जन्नत में आ गए, जन्नत में, जन्नत में चल रहे हैं अभी। राजू भाई भी वीडियो बना रहा है और मैं भी, सांस पूरे चढ़ रहे हैं, फिल्टर फाट रहे हैं फिल्टर। यहाँ पे हमारे दिनेश भाई आए हैं गुड़गांव से। बिल्कुल, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? भाई राजू भाई फीलिंग तो क्या बताऊं, मैं तो सबको बता दूं इस वक्त कितना मजा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आए और खुद देखे और खुद महसूस करे तो वो अलग बात होगी। इस समय बहुत बढ़िया फीलिंग लग रही है। हाँ जी, अभी हम रास्ते में ही हैं, और हम रास्ते में अभी हम गलजा हूँ ट्रैक पे जा रहे हैं। गिलजा या गलजा, गलजा हूँ ट्रैक, गलजा हूँ ट्रैक पे जो राजू भाई लेके जा रहा है, काफी अच्छी जगह लेके आया है और एडवेंचर करते हुए, मतलब चढ़ाई भी है तो तैयारी पूरी करके आनी है आपने, पूरी ट्रैकिंग के करके। जूते हो गए, अपनी जैकेट होगी, पूरा ठंड है पूरी यहाँ पे, अभी हम रास्ते में ही हैं, बाकी और आपको टेम्परेचर यहाँ का अभी एक ना अभी प्लस एक है तो माइनस में ही है जी। माइनस में तो ऊपर चला जाएगा, हाँ जी, हाँ जी, तो ये इस है। तरह का भी हुआ कुछ। अभी हम रास्ते में ही हैं, हम गिरजाऊँ ट्रैक पे जा रहे हैं। तो जो ये मदन जी की और इनकी टीम है ये काफी अच्छी है, और मदन जी को तो मैं बहुत काफी पहले से जानता हूँ, उसके बाद राजू से संपर्क हुआ तो राजू से भी मेरी बात होते हुए, मेरे ख्याल से कितने दिन हो गए थे राजू, 5-6 महीने या पांच ज्यादा, छह महीने हो गए ज्यादा। ज्यादा हो गए, लेकिन मैं आएंगे आएंगे, तो वो मौका मिला तो अब मैं राजू के पास आया हूँ और दोबारा भी आऊंगा मैं यहाँ पे जल्द से जल्द, हो सकता है अप्रैल में ही आ जाऊँ यहाँ पे। अभी हम गलजाऊं के आधे रास्ते में पहुंच गए हैं, अब यहाँ से निकलना हमें, और पूरा बर्फ में से आया ये सारा रास्ता, कहीं पे बर्फ कहीं पे कुछ। और ट्रैक थोड़ा इजी मत समझना, इजी खतरनाक नहीं, है, कभी आप सोचो भाई इजी है तो इजी नहीं है। और ये 3 किलोमीटर से तो फालतू है, मेरे हिसाब से 4 या 5 के आसपास होगा ना राजू, नहीं 3 किलोमीटर तीन का रेट किलोमीटर है आपको लग रहा है, पहली बार आए तो उस तरह हाँ से ये यहाँ आपको से लग, अब पास कर, पता नहीं राजू तीन तीन करके अभी काफी दूर चला रहा है। तीन तीन है आपको लग रहा है, आप पहली बार आए तो उस तरह से लग रहा है आपको, पता नहीं राजू। अच्छा ये लेना आप रोड, नहीं मैं ये रोड की कहूँ मतलब रास्ता, रोड ये रास्ता लेफ्ट लेफ्ट, इसके अंदर से, अच्छा ऊपर से, हाँ जी अब ये ऊपर से, मैं सोचा राजू इसके अंदर से ले जाएगा। ये भाई पता नहीं कितनी दूर और रह गए गलजाऊं, लेकिन व्यू चारों तरफ अच्छा ये, और स्नोफॉल हो रहा है काफी हल्का हल्का, बहुत अच्छा व्यू है और काफी हल्का हल्का है स्नोफॉल। राजू भाई हाँ जी, कितनी दूर हो रहे हैं? अब यहाँ से रखो आप आधा घंटा का रास्ता रह गया, ओ तेरी, नहीं वो ज्यादा नहीं है, फिल्टर पूरे फड़वा होगा आज तो। आराम से चलते चलते, अच्छा जो ये पानी जा रहा था नीचे जहाँ से हमारे, एक कौन सा पानी है? ये भी वहीं से आता है, पीने का पानी है ये, अच्छा ऊपर अच्छा से आता है लेके, ऊपर से छोटी जैसी अच्छा, वहां से आ रहा है ये, अच्छा तो ये क्या जड़ी बूटी का है या वैसे? जो भी शंकर के लिए यहाँ पे जो भी पानी आता है पीने हाँ का हाँ हाँ ये जड़ी बूटी वाला पानी है, क्योंकि हर प्रकार की जड़ी बूटी मिलती है यहाँ, अच्छा, ये जड़ी बूटी का पानी है। ये देखो स्नोफॉल काफी हल्का है, कैमरे में नोट कर रहे होंगे तो गौर से, काफी हल्का हल्का हो रहा है। कर दियो भाई, हाँ जी, भाई जबरदस्त वीडियो। यहाँ से देख सकते हैं आप, 1 फीट यहाँ पे, अब 1.5 फीट से ज्यादा है, अब 1.5 फीट के करीब, ऊपर इससे भी ज्यादा मिलेगी। तो भाई अब राजू संभाल रहा है कैमरा थोड़ी देर। ये भाई काफी नजदीक आ गया है, और ये लकड़ी का पुल भी है, तो इसको क्रॉस करके हम जीत हासिल कर लेंगे। ये लकड़ी का पुल आ गया, और बर्फ देखो काफी पड़ी हुई है ऊपर, तो राजू बता रहा काफी ज्यादा मिलेगी।
क्यों राजू? हाँ जी, हाँ जी। ये गलजा होम ट्रैक के काफ़ी नज़दीक है, लेकिन एक एक्सपीरियंस तो लिया है कि बर्फ़ में चलना बहुत टफ है, क्योंकि पैरों पे काफ़ी दबाव आता है। और व्यू तो आपको क्या दिखाऊं बार बार, ये तो मस्त है। और मेरी भी हालत देख, तमन्ना थी बर्फ़ में ट्रैक करने की, हो ही गई। करेंगे और भी ट्रैक करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। क्यों राजू, पीछे नहीं हटना है ना? पीछे नहीं हटना है, अब तो ट्रैक जो ठान लिया है वो करके रहेंगे, करके रहेंगे। राजू जब से कह रहा पंद्रह मिनट कहने, बार बार इसका नाम भी भूल जाओ। क्या नाम है? गलजा होम ट्रैक। पता नहीं ये कब आओगे, मेरा बाप कल जाओ हम ट्रैक में दुखी कर दिया। आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। चलो भाई फिर जारी रखते हैं। ये देखो इतनी बर्फ में से जैसे जैसे ऊपर आ रहे, क्या व्यू मिल रहा हमें, सच में जन्नत है। मेहनत तो करनी पड़ती है पर जन्नत है। और ये देखो कितनी बर्फ, ये पैर कितने जा रहे हैं। यहाँ से एक थीनी ट्रैक भी होता है, थीनी ट्रैक यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। अच्छा। फिर वो तीर्थन वैली से कनेक्ट करता है। अच्छा, वो तीर्थन वैली से। यहाँ से अगर हम थीनी जाएंगे तो थीनी से तीर्थन वैली निकलते हैं। राजू तू दिखा है, हमने ऊपर ही कनेक्ट करवा होगा तीर्थन वैली तो ना। वो टेंशन ना लो। और व्यू देखिए, ये पूरा जन्नत का व्यू है। तो ये हम पहुंच चुके हैं गलजा होम ट्रैक, राजू भाई ने पहुंचा दिया है। राजू भाई थैंक यू, मजा आया जी। पंद्रह मिनट करके बच्चे की जान ले ली। ये तो बोलना पड़ता नहीं, और तो परेशान होता है। पूरा व्यू देखो, यहाँ से पूरा मैदान है, वो सामने देखो, और वो वहां तो स्नोफॉल हो रहा सामने, वो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क का एरिया है। ये भी उसी का एरिया शायद है ना? हाँ जी, ग्रेट। ये सारा पूरा मैदान है और बर्फ है यहाँ। कम से कम कितनी, 1.5 फीट या 2 फीट है तो है ही है ये जमी, तो ये है। अब यहाँ सोच रहे थोड़ी देर रुके, खेले कूदे बच्चों की तरह, इंजॉय करे। लेकिन वैसे एक्सपीरियंस ये लिया है कि बर्फ में चलते हैं ना तो वो काफ़ी टफ रहता है, क्योंकि पैर अंदर जाते हैं तो चलने में मुश्किल होता है। वैसे तो प्लेन हो तब इतनी मुश्किल नहीं होगी, सांस तो देखो चढ़ते हैं। तो ये एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और प्रॉपर कपड़े होने चाहिए, तो इससे तो हमने ये सीख लिया है। अब देखते हैं कल का ट्रैक कौन सा करेंगे, वो कल की वीडियो में बताएंगे। अभी तो सांगड़ भी एक्सप्लोर करना है नीचे जाके, वो भी एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, और बाबा भली करें।